हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्पाइसी ज़ीरा आलू। ज़ीरा आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को उबाल लेते हैं। मैंने 5 आलू का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू उबल चुके हैं, अभी हम इन्हें ठंडा कर छील लेते हैं। अभी हमें इन्हें काटना है, क्योंकि आलू उबले हुए हैं इसीलिए हमें इन्हें बड़े साइज़ में ही काटना है। इसी तरह हम सारे आलूओं को काट लेते हैं। अभी पैन में मैं 1 कप राई का तेल डालती हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरा आलू है इसलिए मैंने भरकर ज़ीरा डाला है। ज़ीरा चटकने लगा, अभी हम इसमें फ्रेशली कुटा हुआ धनिया डाल देते हैं और थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। अभी हम इसमें उबला हुआ कटा हुआ आलू डाल देते हैं। ध्यान रहे फ्लेम स्लो पे ही रहे, नहीं तो हमारे मसाले जल सकते हैं। अभी हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें आलूओं को फ्राई नहीं करना है, बस मसालों के साथ अच्छे से भुनना है। अभी हम इनमें नमक डाल देते हैं। अभी हम चॉप किया हुआ अदरक डाल देते हैं। छह बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। हल्दी पाउडर डालते हैं। फ्रेशली कुटा हुआ काली मिर्च डालते हैं। और चिली फ्लेक्स। अभी हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इनको बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि मसाला अच्छे से आलू के साथ भीग जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अभी हम इसमें काला नमक डाल देते हैं, आमचूर पाउडर और गरम मसाला, क्रश किया हुआ कसूरी मेथी, पुदीना का पाउडर। मैंने घर पे बनाया हुआ पुदीना पाउडर का यूज़ किया है, आप चाहे तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ज़ीरा आलू तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम गार्निशिंग के लिए इसमें हरा कोथमीर डाल देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।